क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ठीक है। आपको पता है क्रोमोजोम में जो म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल म्यूटेशन, राइट। और दूसरा होता है क्रोमोजोम के नंबर में चेंजिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशन, म्यूटेशन म्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एबरेशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन और न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन की बात करोगे तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं, एडिशन, एडिशन, दूसरा होता है डिलीशन, ठीक है, फिर होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है, एंड फिर होता है लास्ट जो होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन। तो एडिशन में क्या हो गया, कोई भी क्रोमोजोम का जो पार्ट होंगे उसमें क्रोमोजोम के साथ कोई एक्स्ट्रा पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा, क्रोमोजोम बीच बीच से टूट जाए या फिर साइड से टूट जाए, क्रोमोजोम टूट करके साइज छोटा हो जाएगा उसका। इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट टूट करके 180 डिग्री पर रोटेट कर जाएगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंजिंग हो जाता है क्रोमोजोम पार्ट का, या फिर एक में डिलीशन हो जाएगा दूसरे में ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो देखो अब एडिशन की भी बात करोगे तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो एडिशन भी टू टाइप के होंगे, इसका भी अगर बात करोगे तो ये भी टू टाइप के होंगे, ठीक है। एडिशन की अगर बात करोगे तो ये भी टू टाइप के होंगे। चलिए मैं कहाँ पे दिखाऊं, इसको दिखाता हूँ, सपोज मैं इधर दिखाता हूँ, चलिए यहीं पर दिखाता हूँ एडिशन को। एक होता है, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, है ना, जिसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और मैं इसको क्या दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ, एडिशन का टू टाइप दिखाता हूँ। पहला जो एडिशन का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडम, ठीक है। दूसरा होता है रिवर्स टेंडम, रिवर्स टेंडम, ठीक है, टेंडम एंड रिवर्स टेंडम। उसी प्रकार से आप डिलीशन में देखोगे तो डिलीशन भी दो तरह का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक। अब सब मैं बताता हूँ कि पैरासेंट्रिक क्या होता है, पेरीसेंट्रिक क्या होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्वर्जन जो होता है उसके भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है, सॉरी सॉरी ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए डिलीशन के दो टाइप होते हैं, डिलीशन का जो होता है, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, ये डिलीशन के दो टाइप के होते हैं, एक टेंडम होता है और रिवर्स टेंडम। ये तो एडिशन में हो गया। अब डिलीशन में क्या होता है, या तो टर्मिनल डिलीशन होगा, टर्मिनल, और या तो फिर हो जाएगा बीच से डिलीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिटियल या इंटरकैलरी डिलीशन, इंटरकैलरी बोल सकते हो या इंटरस्टिटियल डिलीशन बोल सकते हो, ठीक है। बीच का कोई पार्ट टूट करके अलग हो जाएगा। इन्वर्जन में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, राइट, और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक, ठीक। उसी प्रकार से ट्रांसलोकेशन में भी टू टाइप के होते हैं। चलिए ट्रांसलोकेशन को मैं किधर दिखा दूँ, चलो ऊपर दिखा देता हूँ। टू टाइप का ट्रांसलोकेशन, पहला हो गया आपका जाकर के सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल हो गया, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिंपल
जो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम एबरेशन होता है उसके कई सारे टाइप होते हैं, उनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे, स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एब्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एब्रेशन में एडिशन होता है, डिलीशन होता है, ठीक है, इन्वर्जन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। एडिशन में दो तरह का, टेंडम, रिवर्स टेंडम, ठीक है। डिलीशन में दो तरह का, टर्मिनल या इंटर कैलरी या इंटरस्टिटियल भी उसको बोलते हैं। इन्वर्जन में दो तरह का, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। ट्रांसलोकेशन में टू टाइप, सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल के टाइप। अब न्यूमेरिकल के टाइप हम देखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल के टाइप देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकल के टाइप देखने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिटेल से हम बात करेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पूरा अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले इसके बारे में, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एब्रेशन को एक एक करके हम बात करते हैं। रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इसको, अब मैं बात करता हूँ आपको स्ट्रक्चरल में। सबसे पहले एडिशन का बात करता हूँ, है ना। सबसे पहले हम एडिशन का बात करते हैं। एडिशन इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, राइट। एडिशन को हम लोग डुप्लीकेशन भी कहते हैं। इसमें क्रोमोजोम का पार्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, क्रोमोजोम का पार्ट। जैसे कि अब इसमें मैंने बताया कि टेंडम और रिवर्स टेंडम दो तरह का होता है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ टेंडम, दूसरे में लिखता हूँ रिवर्स टेंडम, ठीक है। सपोज ये ओरिजिनल सीक्वेंस है क्रोमोजोम का, यहाँ पे सेंट्रोमियर बना दिया, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ऐसा है। तो ये कैसा हो जाएगा, टेंडम होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि सी डी सीक्वेंस डुप्लीकेट कर गया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो तो इसका जो नया क्रोमोजोम बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और सी डी, ये यही डुप्लीकेट किया है सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आपको सेंट्रोमियर दिखा देना है, फिर ई एफ जी एच, ठीक है। रिवर्स टेंडम क्या हो जाएगा, अब यही सी डी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, उल्टा होगा क्या होगा, जो भी सीक्वेंस डुप्लीकेट हो जाएगा उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी डी, अब यही सी डी डुप्लीकेट किया लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, डी सी, डी सी, फिर यहाँ सेंट्रोमियर दिखाओगे, यहाँ फिर ई एफ जी एच, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका जाकर के रिवर्स टेंडम, और ये हो गया टेंडम। टेंडम में क्या हो गया, कोई भी सीक्वेंस जहाँ पर डुप्लीकेट किया उसका सेम सीक्वेंस रहेगा। अब यही डुप्लीकेटेड सीक्वेंस जो है वो रिवर्स कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिशन या डुप्लीकेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वो डिलीशन की, ठीक है। अब डिलीशन की बात करते हैं हम लोग, तो चलो डिलीशन का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिलीशन का बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं डिलीशन का, ठीक है। डी ई एल आई टी आई ओ ए, डिलीशन की बात करते हैं। तो डिलीशन में किस क्या बात करोगे, डिलीशन मतलब होता है टूट जाना, किसी भी क्रोमोजोम का पार्ट टूट जाएगा। जैसे मान लो अब इसमें भी हमने दो तरह का बताया, ठीक है। एक होता है टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन शॉर्ट में लिख दिया टी डी, और एक होता है इंटरस्टिटियल डिलीशन, आई डी लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टिटियल डिलीशन, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यही क्रोमोजोम है तुम्हारा, ए बी सी डी ई एफ जी, बीच में यहाँ पर मान लो सेंट्रोमियर दिया गया है, ठीक है। तो टर्मिनल डिलीशन में क्या होगा, एंड से डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो इतना दूर सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो गया, तो क्या बन जाएगा नया सीक्वेंस, ए बी सी डी ई, ठीक है, ई बन जाएगा यहाँ पे आपका, जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर था, ठीक है। और डिलीटेड सीक्वेंस कौन हो गया, ये जो डिलीट हुआ वो
एफ और जी, ये डिलीटेड सीक्वेंस हो गया। इंटरस्टिटियल में क्या हो गया कि बीच में टूटेगा, जैसे कि इसमें क्या करेगा, सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बीच में ऐसे टूट गया, इतना सा सीक्वेंस टूट के चला गया अलग से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी और ई चला जाएगा, एफ और जी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरस्टिटियल, ये हो गया टर्मिनल डिलीशन। इस तरीके से डिलीशन की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा इन्वर्जन है, इन्वर्जन की बात करते हैं। आई एन वी ई आर एस आई ओ एन, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन की बात करते हैं। तो इन्वर्जन में क्या बात करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई भारी बात नहीं। इन्वर्जन में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस रोटेट कर जाएगा टूट करके 180 डिग्री। जैसे मान लो इसमें भी दो तरह का मैंने बताया, एक पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। अब जैसे मान लो ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस जो है वो टूट गया और 180 डिग्री पे रोटेशन किया, कितना रोटेशन बाई 180 डिग्री एंगल। तो कैसा नया सीक्वेंस बनेगा, बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी, जी नहीं बने, सॉरी सॉरी गलती हो गया, ये क्या करने का, इसको ई के यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर जाएगा। कैसे सीक्वेंस चेंज करेगा, यहाँ पे एच इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जा करके एच, और फिर हो जाएगा जी, और फिर एफ, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर था, ठीक है, ये सेंट्रोमियर का पोजीशन था। इस तरीके से न्यू सीक्वेंस बन गया। तो ये कहाँ पे हुआ, टर्मिनल डिलीशन हुआ, एंड पे हुआ है ना, तो इसको हम लोग सॉरी इसको ये टर्मिनल डिलीशन, यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनल पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक। दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक में मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये वाला टूट गया पार्ट इतना दूर, ठीक है, जैसे सपोज मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ, जैसे मैं रेड कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये इतना दूर का जो पार्ट है ये टूट करके और वो हो गया, तो कैसे हो जाएगा इसको, जैसे इधर इधर देखो, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया तुम्हारा, और ए बी बी और ये जो है इधर आ जाएगा, ई चला जाएगा इधर और सी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब यहाँ से ये टूटेगा तो ये सेंट्रोमियर का पोजीशन इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, बाकी तो एफ जी एच रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीसेंट्रिक। पेरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पेरीसेंट्रिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रिक, पी आर ए पेरी सेंट्रिक, इसको हम बोलेंगे पेरीसेंट्रिक। तो इस तरीके से डिलीशन होता है, ठीक है, इस तरीके से डिलीशन होता है। जो लास्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन की बात करो, तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि इसमें दो तरह का बताया हमने, एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे आप देखो इसको, एक मैंने क्या बताया, एक तो हमने बताया सिंपल ट्रांसलोकेशन है ना, सिंपल, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, दो होता है। तो पहले देखो सिंपल ट्रांसलोकेशन की बात करता हूँ। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि ये क्रोमोजोम है, ठीक है, अभी क्या हुआ, इसमें सीक्वेंस है ए बी सी डी है ना, ई। अभी मान लो कि एक क्रोमोजोम था यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब इसमें से क्या था, 6 7 जो कोई सीक्वेंस था वो आकर के इसमें ज्वाइंट हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जैसे मान लो इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है,
तो रेड कलर इसमें आकर के जुड़ गया, ठीक है, 6 7, ठीक है। तो इसमें एक जगह पे क्या हुआ, इसमें डिलीशन हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है, एक डिलीशन हुआ, एडिशन हुआ। तो इसको बोलोगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल केस में क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्रोमोजोम ये है, यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, अब 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चला गया इस इधर से टूट करके 6 7 पार्ट इधर चला गया। अब मैं ब्लैक वाला लेता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज मैं ब्लैक वाला ले रहा हूँ कि ब्लैक कलर का ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा ये क्रोमोजोम था, क्या था, ए बी सी डी ई, है ना, ऐसे था कुछ। अब इसके बाद एफ जी जो था ना, यहाँ पर चला गया, समझो, एफ और जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा पार्ट का एक्सचेंजिंग हुआ, पर यहाँ पे देखो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में हुआ, होमोलोगस नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर वाला चीज़ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, अगला टॉपिक का हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल क्रोमोजोम एलिब्रेशन, न्यूमेरिकल क्रोमो म्यूटेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल क्रोमोजोम म्यूटेशन की बात करोगे तो यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है एनियोप्लॉयडी, एनियोप्लॉयडी होता है, और एक होता है यूप्लॉयडी, ठीक है। एक हो गया एनियोप्लॉयडी, यूप्लॉयडी। एनियोप्लॉयडी में क्या होता है, वन और फ्यू क्रोमोजोम एडेड और डिलीटेड, ठीक है। इसमें से एक क्रोमोजोम या कुछ क्रोमोजोम, 1 2 3 ऐसे मैक्सिमम रिपोर्ट किया गया है, बताता हूँ क्या होता है। अयूप्लॉयडी में क्या होता है, होल सेट, है ना, पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोजोम एडेड या डुप्लीकेटेड, मतलब चेंज्ड, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, पूरा होल सेट क्रोमोजोम चेंज हो जाएगा। अब इसमें भी दो तरह का होगा, अगर ऐड होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लॉयडी, हाइपर, और इसको बोलेंगे हाइपो अगर माइनस हो जाएगा तो। अब इसमें भी देखो कंडीशन, हाइपर का जैसे लिखोगे 2n+1, ठीक है, तो ट्राइजोमी हो गया, 2n+1+1 तो डबल ट्राइजोमी हो गया, 2n+2 हो गया तो इसको बोलते हैं टेट्राजोमी। हाइपो में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे जैसे हाइपो का लिखो 2n-1, फिर 2n-1-1, ठीक है, और फिर 2n-2, तो ये हो गया मोनोजोमी, ये हो गया डबल मोनोजोमी, ये हो गया नलीजोमी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, इसके भी बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।